हिंदू धर्म के अनुसार चैत्र माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को हनुमान जन्मोत्सव का पर्व मनाया जाता है। हनुमान जी भगवान शंकर के रुद्र अवतार भी कहे गए हैं। ऐसे में हनुमान जी की पूजा का महत्व और अधिक बढ़ जाता है अगर इस दिन आप अपनी राशि के अनुसार पूजा आराधना करेंगे और कुछ खास उपाय कर लेंगे। इससे आपके जीवन में सुख और समृद्धि का आना तय है। आइए समझते हैं कि आप अपनी राशि के अनुसार किस प्रकार से उपाय करें और कैसे पूजा करें। सबसे पहले बात करेंगे मेष राशि की। हनुमान जन्मोत्सव के दिन मेष राशि वालों को क्या उपाय करने हैं और बजरंगबली की कैसे उपासना करनी है, चलिए जान लेते हैं। मेष राशि के जातकों के लिए उनके स्वामी मंगल होते हैं और मंगल ग्रहों के सेनापति हैं, उग्र ग्रह हैं। इसलिए ऐसे जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करना चाहिए। वृषभ राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव पर क्या करना है, जान लीजिए। वृषभ राशि के जातक शुक्र ग्रह के अधीन होते हैं। शुक्र एक सौम्य और स्त्री ग्रह है, इसलिए वृषभ राशि के जातकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन सुगंधित पुष्प अर्पित करने चाहिए। मिथुन राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करना है, जान लीजिए। मिथुन राशि के स्वामी ग्रह राजकुमार बुध होते हैं। ऐसे में मिथुन राशि के जातकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन बूंदी के लड्डू जरूर भेंट करने हैं। कर्क राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करना है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा होते हैं और चंद्रमा को भगवान शिव ने अपने मस्तक पर धारण किया हुआ है। ऐसे में कर्क राशि के जातकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए रुद्राष्टकम का पाठ करना चाहिए। शिव की कृपा आपको इससे मिलेगी और साथ ही साथ बजरंग बली भी आपसे प्रसन्न होंगे। अब सिंह राशि के जातकों को क्या करना है, सुन लीजिए। सिंह राशि के स्वामी सूर्य हैं और सूर्य ग्रहों के राजा हैं। ऐसे में सिंह राशि के जातकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन राम रक्षा स्त्रोत का पाठ करना चाहिए। अब कन्या राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करना है, सुन लीजिए। कन्या राशि के स्वामी बुध हैं। ऐसे में कन्या राशि के जातकों को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव के दिन तुलसी के पत्तों की माला बनाकर और उन पर सिंदूर से राम लिखकर हनुमान जी के गले में पहनानी है। तुला राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव पर बहुत ही सरल उपाय करना है। तुला राशि के जातकों के लिए उनके राशि स्वामी शुक्र होते हैं और तुला राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से तुला राशि के जातकों पर हनुमान जी की कृपा बनी रहती है। वृश्चिक राशि के स्वामी मंगल हैं और वृश्चिक राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन बजरंग बली की कृपा प्राप्त करने के लिए बंदरों को भोजन कराना चाहिए और हनुमान बाहुक का पाठ करना चाहिए। वहीं धनु राशि के स्वामी बृहस्पति हैं और बृहस्पति धर्म और वेद के कारक हैं। ऐसे में अगर धनु राशि के जातकों को हनुमान जी की कृपा प्राप्त करनी है तो हनुमान जन्मोत्सव के दिन 101 हनुमान चालीसा मंदिर में दान कर दें। ये करना आपके लिए बेहद शुभ साबित होगा। मकर राशि के जातक हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करें, सुन लीजिए। मकर राशि के स्वामी शनि हैं और शनि देव हनुमान जी के भक्तों को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाते। ऐसे में मकर राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन हनुमान जी को जरूर प्रसन्न करना चाहिए। इसके लिए उन्हें प्रभु श्री राम के मंत्रों की एक माला करनी है। इसके अलावा हनुमान कवच का भी आप पाठ जरूर करें। कुंभ राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करना है, आपको बता दें कि कुंभ राशि के जातकों को हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए शनि देव का आशीर्वाद प्राप्त करने की जरूरत है। जीवन में तरक्की करने के लिए हनुमान जन्मोत्सव यानी कि चैत्र पूर्णिमा के दिन विधि विधान से संगीतमय सुंदरकांड का पाठ अपने घर में कराना आप लोगों के लिए बेहद शुभ साबित होता है। अब बात करेंगे मीन राशि की। मीन राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन क्या करना है, मीन राशि के स्वामी ग्रह बृहस्पति है। ऐसे में मीन राशि के जातकों को हनुमान जन्मोत्सव के दिन पूर्णिमा के दिन हनुमान जी महाराज की कृपा प्राप्त करने के लिए बेसन के लड्डू का भोग लगाना चाहिए और तुलसी के पत्र अर्पित करने चाहिए। गरीबों को भोजन भी दान कराना चाहिए। ये सारी बातें ज्योतिषानुसार बताई गई हैं। आप हनुमान जन्मोत्सव के दिन ये जरूर करें और आप ये सभी चीज मंगल
रविवार के दिन भी कर सकते हैं।